अच्छा अभी गेम खेलना कैसे है? ठीक है, आप एक चाल चलोगे, ओपोनेंट एक चाल चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बोल रहा हूँ, ओपोनेंट की किंग को मारना है, ठीक है? मतलब आप मार नहीं सकते, एक्चुअली आपको चेकमेट करना है। किन किन लोगों को चेकमेट पता है? बाकी को चेकमेट नहीं पता। ठीक है, वेरी गुड। अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था, किस किस को आता है चेकमेट करना? ओके, किसी को नहीं आता? अभी तो आप लोगों ने हाथ उठाया था, बहुत सारे लोगों ने, सब डर गए। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? चेकमेट होता क्या है, ठीक है? देखो, चेक और चेकमेट में डिफरेंस, ओपोनेंट को चेकमेट करोगे और चेक देने से आप गेम नहीं जीतोगे। क्या करना पड़ता है? चेकमेट करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा चेक और चेकमेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और यहाँ से समझ गए रूम कैसे मूव करता है, ठीक है? हाँ, और रूम का वैल्यू है 5, बिशप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्लियर, रूम कैसे मूव करता है, वही लास्ट टाइम की तरह ही रूल्स कैसे करता है और रूम का, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो क्वीन ठीक वैसे मूव करता है, ठीक है? इसलिए क्वीन का पावर सबसे ज़्यादा है, क्वीन का पावर है 9। क्वीन का पावर कितना है? 9। रूक का कितना होता है? 5। रूक का 5, बिशप का 3, पॉन का 5। वो रूक और बिशप का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। चारों तरफ क्वीन जा सकता है, मतलब यहाँ से आप इसको इधर भी लेके जा सकते हो, ठीक है? इधर भी लेके जा सकते हो आप इसको, इधर भी लेके जा सकते हो आप इसको, इधर भी लेके जा सकते हो। ऑलमोस्ट बोर्ड में बहुत सारा स्क्वायर को पकड़ सकता है एक टाइम पे, इसलिए क्वीन का पावर सबसे ज़्यादा है। क्वीन का वैल्यू कितना है? 9। और रूल्स भी सेम, जंप नहीं कर सकता आप खुद की गोटी के टाइम, आप सिर्फ एक ही चाल चल सकते हो, ठीक है? और जिसमें एक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, बोलते हैं टच टू प्ले, मतलब पहले जिस बोर्ड में जिस पीस को टच करोगे वही चलना पड़ेगा। अभी नहीं कहा अपनी पर क्वीन पकड़ा के बिशप पकड़ा फिर देखा वो मिल जाए तुम्हें वो चल देता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो तब बहुत केयरफुल रहना, तब पहले जिस गुटी को टच करोगे वही खेलना पड़ता है, ठीक है? हो गया। अभी हम सीखेंगे नाइट और किंग का। किंग का भी इजी है, नाइट आप थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है? क्योंकि नाइट जंप कर सकता है, इसलिए मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ, पहले किंग दिखाता हूँ। किंग वेरी इजी, ठीक है? अभी तक नाइट, चलो सब कुछ याद है ना, रूक बिशप क्वीन पॉन, समझ गए? मतलब नाइट यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको ऐसे जाना है, ठीक है? मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सामने की तरफ टू स्टेप राइट या लेफ्ट में जो स्क्वायर है हम लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है? तो नाइट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता है, ठीक है? नाइट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता है, ठीक है? पीछे भी सेम, टू स्टेप राइट और लेफ्ट में 1 स्टेप, ठीक है? राइट और लेफ्ट में कितना स्टेप? 1 स्टेप। अच्छा, साइड में भी वही 2 स्टेप राइट या लेफ्ट में 1 स्टेप, उधर भी सेम पीछे 2 स्टेप राइट या लेफ्ट में 1 स्टेप। अच्छा, अभी नाइट का एक मजेदार चीज़ क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, नाइट कैन जंप। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने गोटी लगा दी, जैसे आपका ये वाला तो मार सकता है ना। अच्छा देखो, आप नाइट इसको मार सकता है क्योंकि सामने 2 स्टेप साइड या राइट या लेफ्ट में 1 स्टेप है कि नहीं। अब नाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लाइन पे कौन है, उसको जिस स्क्वायर में जाना है वो स्क्वायर में वो जा सकता है, ठीक है? तो नाइट के जंप, समझ गए? नाइट को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है? इसीलिए नाइट का वैल्यू भी 3 है। अगर आप देखोगे तो बिशप बहुत सारा स्क्वायर जाता है ना, बिशप का वैल्यू भी 3 है और नाइट का भी 3, दोनों इक्वल पीस है, लेकिन नाइट जंप कर सकता है इसीलिए उसका पावर 3 है। लेकिन स्क्वायर तो सिर्फ कम है ना, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा तो क्वीन मार देगा ना, पता है ना क्वीन रुक की तरह चल पाता है। अच्छा, यहाँ पे बैठ सकता है, एक स्क्वायर में 2 पीस नहीं बैठता है, ठीक है? क्लियर, इधर आ सकता है, इधर भी नहीं आ सकता। अच्छा, अब जाएगा कहाँ, जाने का कोई स्क्वायर है? अच्छा, अगर इसको मार दिया तो, अब क्वीन किंग ऐसा चलता है ना, इसको मार दिया तो क्या करोगे? हाँ, तो तू इसको मार नहीं सकता क्योंकि बिशप में है। अगर उसने मार दिया तो नेक्स्ट मूव में उसका किंग मर जाएगा, मर जाएगा या नहीं? इसको कहते हैं चेकमेट। चेकमेट मतलब जब हमने चेक दिया ओपोनेंट को और वो कहीं पे उसको बचा ना पाए, ठीक है? आपने चेक दिया
और उसको वो बचा नहीं सकता है, तब हो गया चेक में, तब आप जीत गए, ठीक है। लेकिन चेक सिर्फ किंग के ऊपर होता है, अगर आप किसी दूसरे ग्रुप पीसेस को अटैक करोगे तभी आपको चेक फेक नहीं बोलना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये गेम है, तो मान लो ओपोनेंट ने ये चला A5, क्योंकि ये कौन से अल्फाबेट है, ये नीचे ये, तो इस फाइल का नाम क्या हो गया, इस फाइल का नाम क्या हो गया, इजी, इस फाइल का नाम किसका, थर्ड फोर्थ, समझ गए, इजी। अच्छा अभी चेस में तो आपको लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आपको आप जो चाल चलोगे उसको आपको लिखना है, एक्सपोजर मिलता है आप लोगों को टूर्नामेंट के टाइम पे, ठीक है। अभी लिखना कैसे मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले आपको पीस का पहला अल्फाबेट लिखना है, पीस का पहला अल्फाबेट, इसके बाद नेम ऑफ द फाइल, देन नेम ऑफ द रैंक। जैसे मैंने जब आपको मैं समझा रहा हूँ, मान लो मैंने ये चला, ठीक है, सबसे पहले उस पीस का पहला अल्फाबेट लिखना है, इस पीस का नाम क्या है, इस पीस का नाम क्या है, बिशप, बिशप का अल्फाबेट क्या हो गया, बिशप का सी हो गया, बी, बी आई एस एच ओ पी, बिशप, बिशप का क्या हो गया, बी, ठीक है। अच्छा इसके बाद लिखना है नेम ऑफ द फाइल, ये कौन सी फाइल में है, हमको तो बिशप हो गया, इधर एफ हो गया, और ये कौन सी रैंक पे है, हम लोग क्या लिखेंगे, बी एफ फोर, समझ गए, ऐसे लिखना पड़ता है चेस में, बी से क्या हो गया, बिशप, कौन से फाइल में है, कौन से रैंक में है, तो क्या हो गया, बी एफ, हमको पूरा नहीं लिखना है, बी आई एस एस बिशप एफ फाइल फोर, ऐसे नहीं लिखना है, बी एफ फोर। अच्छा अभी बोल लो हमने क्वीन यहाँ पे चला, तो क्या लिखोगे, क्यू बी थ्री, इजी, ठीक है। अच्छा अच्छा अभी बोलो, तो अभी देखो नाइट और किंग दोनों का स्पेलिंग कैसे है कि नहीं। अच्छा मान लो किंग यहाँ गया, क्या लिखोगे, टू के डी टू। अच्छा अभी बोलो ये इधर गया, क्या लिखोगे, थ्री, देखो ठीक है, देखो किंग भी कैसे होता है, नाइट भी कैसे ही होता है, लेकिन किंग के टाइम पे हम लोग के लिखेंगे, और जब नाइट के टाइम पे लिखेंगे तब एन एन से लिखेंगे, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि किंग चला या नाइट चला, ठीक है। एक में ब्लैक का जो मूव मूव देता है ओपोनेंट उसको लिखना है, वेरी इजी। मान लो आपने पहला मूव ये वाला चला, तब आप क्या लिखोगे नंबर वन मूव पे, पी ई फोर, वेरी इजी। अच्छा अभी आपका हो गया, अभी ब्लैक में लिखना है, सपोज ब्लैक ने ये लिया, क्या लिखोगे आप, पी सी फाइव, ठीक है, ऐसे करके गेम लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का पहला टूर्नामेंट है ना, आप लोग जो खेलने वाले हो, बहुत सारे लोगों का तब नहीं लिखने से भी होता है, लेकिन हम लोग आए हैं तो आपको सिखा दिया, ठीक है, लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक रूल्स, चेस खेलते कैसे हैं, आपको जीतना कैसे है, ठीक है, क्लियर। किसी को कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन, नॉर्वे का एक प्लेयर है जिसका नाम है मैग्नस कार्लसन, वो करेंट वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, अभी नवंबर में फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, कार्लसन वर्सेस फाबियो कारुआना, फाबियो कारुआना अमेरिका का है, ठीक है, उन दोनों को भी फिर से होगा नवंबर में, ठीक है। अच्छा अभी टूर्नामेंट कैसे खेलना है, रूल्स, ठीक है, हम लोग तीन कैटेगरी में बोला रहे टूर्नामेंट कराएंगे, ईच कैटेगरी में